हेलो डियर फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन आवर एपीएन क्लासेस। दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए इंग्लिश में एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, सिनोनिम्स करके। दोस्तों, ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ना सिर्फ यूपी बोर्ड वालों के लिए बल्कि सीबीएसई बोर्ड और खास करके बिहार बोर्ड वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो देखिए, एंड तक वीडियो देखिए, क्योंकि हम आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं। और मैं इतना बोल सकता हूँ गारंटी के साथ, अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो आप बोर्ड एग्जाम्स में सिनोनिम्स के एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, क्योंकि आज हम आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम्स में 5, 6, 7 साल से लगातार आ रहा है क्वेश्चन। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपसे बोलूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोज़ को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियोज़ पर कमेंट भी करें, ताकि हम अपने वीडियोज़ में थोड़े और सुधार कर सकें। और फ्रेंड्स, हम सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, मैथमेटिक्स में और आपके फिजिक्स में बहुत सारे वीडियोस दे रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप उसको भी देखते रहिए, क्योंकि वो सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो ऐसे बच्चे जो कि अभी तक अपनी तैयारी स्टार्ट भी नहीं किए हैं, उनके लिए हमारी वीडियोज़ बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही कारगर हैं। तो अगर आप सिर्फ उसे ही देख के जाते हो तो आप बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स गेन कर लोगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारा सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हमारा होता है क्या है फ्रेंड्स, इसको देखिए, हम हिंदी में बोलते हैं समानार्थी, समानार्थी शब्द, ठीक है दोस्तों। और इसको पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं, लेकिन हम समानार्थी शब्द से ज्यादा समझेंगे। समानार्थी से समझ में आ रहा दोस्तों, समान, समान अर्थ बोल सकते हैं इसको। समानार्थी को हम क्या बोल सकते हैं, समान प्लस अर्थ, यानी क्या, समान अर्थ, यानी कि एक वर्ड के समान अर्थ हो तो वो हमारा क्या होता है, समानार्थी कहलाता है। आइए हम देखते हैं इसका डेफिनेशन, मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेकर के आया हूँ। तो मैंने जैसा बोला कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान दीजिए क्या लिखा है मैंने। अ सिनोनिम इज अ वर्ड और फ्रेज दैट मीन्स एग्जैक्टली और नियरली द सेम एज अनदर लेक्सेम इन द सेम लैंग्वेज, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या हो, जो हमारा सिनोनिम है वो वर्ड है या फिर फ्रेज, यानी कि जिसके की सेम मीनिंग्स हो, ठीक है दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं। आइए इसकी हिंदी में देखते हैं डेफिनेशन क्या है। तो इसका डेफिनेशन है, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स बढ़िया बढ़िया लिखवाऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आने वाले हैं उसके बारे में, लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा सा ये समझ सकते हैं। जैसे दोस्तों, हमारा घर होता है ना, घर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होम भी बोलते हैं और हाउस भी बोलते हैं, यानी कि उसका क्या है, अर्थ तो समान है, उसके सिर्फ मीनिंग क्या है, अलग अलग है। तो फिर यही चीज है दोस्तों, आइए हम इसके बारे में समझते हैं। और बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं कुछ लिखवा रहा हूँ जो कि मुझे कुछ याद है, और आप भी इसको ना सिर्फ लिखिए बल्कि इसको पढ़ के जाइए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये बहुत ज्यादा आने वाला है। और फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा फेमस वर्ड मैं आपको पहला ही लिखवाने जा रहा हूँ, इसको बोलते हैं अबैंडन, ठीक है दोस्तों। इसकी हिंदी क्या होती है, तो इसकी हिंदी होती है दोस्तों छोड़ना, ठीक है, इसकी हिंदी होती है छोड़ना। तो आइए अब देखते हैं हम कि छोड़ना को हम क्या और बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, गिव अप करना, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना गिव अप, नेवर बी गिव अप, यानी कि कभी हार नहीं मानना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए, तो गिव अप हो गया दोस्तों हमारा। और हो गया हमारा फ्रेंड्स फॉरसेक, ठीक है, क्या हो गया हमारा, फॉरसेक हो गया। फॉरसेक मीन्स भी क्या होता है, छोड़ना होता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज केबीसी सब लोग देखते होंगे, तो उसमें बोलते हैं ना मैं क्विट करना चाहता हूँ, तो क्विट करने का मतलब ही यही होता है दोस्तों, छोड़ना, ठीक है। तो आपको मैंने तीन लिखवा दिए, कौन कौन से, गिव अप, फॉरसेक और क्विट। आइए फ्रेंड्स, हम सेकेंड देखते हैं कि सेकेंड हमारा क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। और सेकेंड हमारा क्या है, एक्सेप्ट, क्या होता है दोस्तों, एक्सेप्ट। आइए अब देखते हैं एक्सेप्ट की मीनिंग क्या होती है दोस्तों। हमारा एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, किसी चीज को क्या करना, स्वीकार करना। तो आइए हम देखते हैं कि इसका क्या होता है दोस्तों, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान दीजिएगा इसको। एक्सेप्ट को हम क्या क्या बोल सकते हैं दोस्तों, एग्री बोलते हैं ना, कि मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं, मतलब मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं क्या करता हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और हमारा सेकेंड क्या है, एसेंट, एसेंट बोलते हैं हम, इसका सेकेंड वर्ड हो गया। और हमारा थर्ड जो सेम मीनिंग है इसका, वो हमारा क्या हो जाएगा, रिसीव करना, किसी भी चीज को क्या करना दोस्तों, रिसीव करना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा वर्ड। आइए हम देखते हैं कि तीसरा हमारा क्या है, एडवांटेज, ठीक है दोस्तों। आप सब लोग इन सब वर्ड से भली भांति परिचित हो दोस्तों, और ये सब एग्जाम्स में आ जाते हैं तो बच्चा क्या होता है, फंस जाता है, ठीक है। एडवांटेज को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं एडवांटेज को हम क्या क्या बोल सकते हैं। प्रॉफिट का नाम तो सबने सुना होगा दोस्तों, प्रॉफिट मतलब मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, यानी कि मुझे इतना क्या हुआ, लाभ मिला, ठीक है। गेन बोल सकते हैं हम, गेन हो सकता है। और फिर लास्ट हमारा क्या आप बोल सकते हैं हम किसी चीज को क्या, बेनिफिट, हमारा कितना बेनिफिट हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया तीन। अब आइए हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं कि फोर्थ क्या है। तो फोर्थ हमारा है फ्रेंड्स अलाउ,
अलाउ, अलाउ मीन्स क्या होता है दोस्तों हमारा, अलाउ मीन्स हमारा हो जाता है आज्ञा देना, अलाउ मीन्स क्या हो जाता है आज्ञा देना। तो आइए देखते हैं कि अब क्या होता है। एक होता है हमारा दोस्तों परमिट, सेकंड हमारा होता है अकॉर्ड, एंड थर्ड वन इज एम्पावर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है तो इसको आप क्या कर लीजिए, पॉइंट आउट कर लीजिए, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। आइए हम फिफ्थ के, पांचवा हमारा क्या है फ्रेंड्स, आइए मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट लिखवा रहे हैं, मैं तो बहुत सारे हैं, बट अब हम आगे आते हैं। आगे हमारा ब्यूटीफुल, दोस्तों हम लोग किसी के तारीफ में बोलते हैं ना कि भैया अब बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, तो ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं कि ब्यूटीफुल का क्या क्या हो सकता है, हमारा क्या समानार्थी शब्द यानी कि सिनोनिम्स। तो हम लोग बोलते हैं ना दोस्तों कि अरे यार आज तुम बड़े हैंडसम लग रहे हो, ठीक है, तो हैंडसम हो गया। फिर होता है गुड लुकिंग, आज आप क्या कर रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। और तीसरा हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, प्रिटी, ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया पांचवा, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया लास्ट वाला प्रीटी, ठीक है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर, कि सिक्स हमारा क्या होता है फ्रेंड। सिक्स आपका इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको कराने जा रहा हूँ, और ये हमारा क्या है ब्रेव। ब्रेव सब लोग जानते होंगे दोस्तों कि ब्रेव मीन्स हमारा क्या होता है, तो ब्रेव मीन्स हमारा होता है दोस्तों वीर, ठीक है, ब्रेव मीन्स हमारा होता है वीर। और हम क्या क्या बोल सकते हैं ब्रेव को, किसके और क्या क्या मीनिंग्स हो सकते हैं, तो दोस्तों हम जानते हैं हमारा हो सकता है बोल्ड, फियरलेस, इन सब वर्ड्स के बारे में फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, ठीक है। और थर्ड वन इज करेजियस, ठीक है दोस्तों, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको करेजियस भी पूछ सकता है कि करेजियस का आपका सिनोनिम्स क्या होगा, तो फ्रेंड्स आप ब्रेव, बोल्ड और फियरलेस लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, आपको ब्रेव या फिर करेजियस जरूर आएगा, ठीक है दोस्तों। अब आइए हम बात करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की, सेवेंथ हमारा क्या है आइए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा सेवेंथ क्या है, चैंपियन, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज्यादा पूछता है बोर्ड एग्जाम्स में, तो आप ध्यान दीजिएगा। चैंपियन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, समर्थक बोल सकते हैं दोस्तों, हम चैंपियन को हम क्या बोल सकते हैं, समर्थक बोल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि समर्थक का यानी कि चैंपियन का हमारा क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों समर्थक यानी कि सपोर्टर बोल सकते हैं हम, आप सब लोग इनवर्ट से भली भांति परिचित हो गए। सेकेंड हमारा क्या है, डिफेंडर हो सकता है, ठीक है दोस्तों, डिफेंडर। और लास्ट वन हमारा जो है वो है प्रोटेक्टर, ठीक है दोस्तों, आप इन वर्ड्स को खूब अच्छे से लिख लीजिए और इसको पढ़ के जाइए, आपके बोर्ड एग्जाम्स में जरूर आएगा। तो दोस्तों हमारा एट्थ वाला जो है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि हमारा वर्ड क्या है, हमारा एट्थ वाला कंट्रीब्यूट से, दोस्तों हम सब बहुत अच्छे से भली भांति परिचित हैं। कंट्रीब्यूट मीन्स हमारा क्या होता है, कंट्रीब्यूट मीन्स हमारा देना होता है दोस्तों, किसी भी चीज में सहयोग देना। जैसे दोस्तों आप लोग क्या करते हो, हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आप क्या करो, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो ना हमारे चैनल को लेकर के, तो ये भी क्या है हमारा कंट्रीब्यूट का हो सकता है सिनोनिम्स, हो नहीं सकता है, होता है दोस्तों। तो आइए देखिए क्या होता है इसका, गिव, ठीक है दोस्तों, गिव मीन्स भी देना होता है। हेल्प, हेल्प यानी सहायता करना, यानी आप दे रहे हो ना अपना हेल्प कर, उनका मतलब अपना साथ दे रहे हो ना। एंड फिर थर्ड वन इज हमारा दोस्तों सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों, तो फिर आप भी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का दोस्तों, नाइन्थ हमारा क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा। तो नाइन्थ है दोस्तों हमारा डिफीट, क्या है दोस्तों डिफीट, तो डिफीट मीन्स हमारा दोस्तों क्या होता है, हराना होता है, डिफीट मीन्स, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं दोस्तों, तो हराना को हम सॉरी बोल सकते हैं ओवर थ्रो, क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ओवर थ्रो बोल सकते हैं। और हम क्या क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ओवरकम भी बोल सकते हैं, ठीक है ओवरकम। और फिर दोस्तों थर्ड हम क्या बोल सकते हैं इसको लेकर के, हम फ्रस्ट्रेट बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों, फ्रस्ट्रेट बोल सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा टेंथ क्या दिया हुआ है। तो हमारा टेंथ है दोस्तों ऐसा कि डिले, ठीक है, तो देखिए डिले मीन्स क्या होता है, ठीक है, तो देखिए डिले मीन्स हमारा होता है देर करना, ठीक है दोस्तों, डिले मीन्स होता है हमारा देर करना। तो आइए हम जानते हैं कि डिले का हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो डिले का हमारा हो जाएगा दोस्तों पुट ऑफ, ठीक है, पुट ऑफ करना, ठीक है, पुट ऑफ करना मीन्स भी क्या होता है, डिले करना होता है, ठीक है दोस्तों। और फिर हमारा क्या होता है, डिफर लिख बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डिफर बोल सकते हैं। और दोस्तों हम इसको हाइंडर भी बोल सकते हैं, एच आई एन डी ई आर, ठीक है दोस्तों। आइए हम देखते हैं कि हमारा अलेवेंथ वाला क्या बता रहे हैं हम आपको, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है क्या, डिनाई, डिनाई मीन्स क्या होता है दोस्तों, हमारा इनकार करना। तो दोस्तों मैंने जितने भी प्रीवियस पेपर्स देखे हैं वो देखने के बाद ही मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ इंग्लिश में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम से लेकर के। दोस्तों देखिए क्या क्या होता है,
डिनाई मीन्स क्या होता है दोस्तों, हमारे क्या होता है इनकार करना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं रिफ्यूज, किसी चीज को क्या करना, रिफ्यूज करना, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो जाता है रिजेक्ट, क्या रिजेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। और तीसरा हम क्या बोल सकते हैं अपोज, किसी चीज को क्या करना, अपोज करना भी एक तरीके से क्या होता है हमारा मना करना, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं, ट्वेल्थ क्या है हमारा, ध्यान दीजिए इस पे आप। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं हमारा ट्वेल्थ वन क्या है, इंडेवर। फ्रेंड्स ये देखिए, ये भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा था, बहुत बार ही पूछा गया दोस्तों। देखिए इसका मतलब क्या होता है हमारा, इसका मतलब होता है दोस्तों प्रयत्न करना, क्या होता है हमारा प्रयत्न करना होता है। तो आइए देखिए हम इसके बारे में क्या क्या बता सकते हैं हमारा, और क्या क्या ऐसा वर्ड सेम हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं अटेम्प्ट, किसी चीज को क्या करना, अटेम्प्ट करना, ठीक है, वो भी हमारा हो गया प्रयत्न करना। और क्या बोल सकते हैं इसको हम दोस्तों, आप लोग भी सोचिए, इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्राई करना, और एक बोल सकते हैं एग्जर्ट, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अब हम बात करते हैं थर्टींथ के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स देखिए हमारा थर्टींथ क्या हो सकता है, हमारा क्या है दोस्तों इनफ, क्या है दोस्तों इनफ, ठीक है। इनफ मीन्स क्या होता है आप लोग को पता होगा, तो इनफ मीन्स हमारा होता है पर्याप्त, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए हम जानते हैं कि पर्याप्त, तो देखिए फ्रेंड्स इसका क्या क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा सफिशियंट, ठीक है, सफिशियंट हो जाएगा, प्लेंटी हो जाएगा, सॉरी प्लेंटी, और हमारा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, कॉपियस हो जाएगा। इन सब को आप कॉपी अपने नोट जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यूपी और सीबीएसई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिहार बोर्ड और अदर बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये देखते हैं फोर्टीन हमारा क्या दिया हुआ है, तो फोर्टीन फ्रेंड्स हमारा जो बोर्ड एग्जाम्स में मैंने आपके सारे पॉइंट आउट किए हुए हैं क्वेश्चन पेपर्स, तो उसमें दिया हुआ था फ्रेंड्स हमारा फैटल, ये भी कई बार आया है फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम में। फैटल मीन्स क्या होता है दोस्तों, घातक, फैटल मीन्स हमारा हो जाता है घातक। फ्रेंड्स आप इसको पढ़ के भी जाओगे अगर ना, तो आपको कम से कम वर्ड मीनिंग तो तैयार हो ही जाएगा, और बोर्ड एग्जाम में वर्ड मीनिंग भी बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो फिर देखिए हमारा क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा घातक का डेडली, ठीक है फ्रेंड्स। और क्या हो सकता है इसका आप लोग को पता है, चलिए मैं ही बता देता हूँ, नहीं पता होगा आप लोगों को, तो सेकेंड हो जाएगा हमारा मोर्टल, और फ्रेंड्स थर्ड, तो फिर थर्ड देखिए हमारा क्या हो जाएगा, फेटफुल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, फेटफुल। आइए अब देखते हैं हमारा फिफ्टींथ क्या है, फिफ्टींथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये है हमारा ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स हमारा दोस्तों दुख होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं दुख, ठीक है। तो फिर ये तो सबको पता होगा कि दुख का क्या क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसका वर्ड यूज करते हैं हम लोग। तो दोस्तों हमारा क्या हो सकता है, सौरो, ये वर्ड बहुत ज्यादा फेमस है, आप लोग सुने होंगे सौरो के बारे में, तो सौरो हो गया। फिर क्या होगा दोस्तों हमारा डिस्ट्रेस, सौरो डिस्ट्रेस, एंड थर्ड वन इज दोस्तों हमारा क्या है, वो बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, वो डब्ल्यू ओ ई, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए नया होगा ये भी होता है। सिक्सटीन हमारा क्या है, तो सिक्सटीन है दोस्तों हमारा आइडियल, सॉरी इससे पहले मैं आपको बताऊंगा होली के बारे में, ठीक, क्योंकि जी के बाद एच आता है ना, तो होली, होली मीन्स दोस्तों हमारा क्या होता है, पवित्र होता है, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा इसको। तो क्या हो जाएगा हमारा, सैक्रेड हो जाएगा दोस्तों, सैक्रेड मीन्स भी पवित्र होता है। फिर क्या हो जाएगा हमारा, पायस हो जाएगा, पी आई ओ यू एस, पायस बोलते हैं दोस्तों इसको। एंड थर्ड वन इज हमारा क्या हो जाएगा, ब्लेस्ड, ठीक है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं सेवनटींथ का, तो देखिए सेवनटींथ हमारा, सॉरी फ्रेंड्स होली तो हमारा हो गया, तो हमारा क्या है, आइडियल, ठीक है दोस्तों, आइडियल। देखिए दोस्तों आइडल और आइडियल दो होता है, तो आइडल जो हमारा होता है, आइडियल उसका मतलब आलसी होता है दोस्तों, और इस आइडियल का मतलब जो हमारा होता है वो आदर्श होता है, किसी चीज का क्या, आदर्श, किसी का नाम नहीं दोस्तों, आदर्श मानी कि हम लोग किसी को क्या देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं ना कि यार वो हमारे आइडियल है, वो हमारे आदर्श है। खास करके एपीजे अब्दुल कलाम काफी बच्चों के, काफी स्टूडेंट्स के क्या होते हैं, आइडियल होते हैं, आइडल नहीं होते हैं दोस्तों, आइडियल होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, कि आइडल मीन्स तो लेजी होता है, जिससे कि हम लोग क्या बोलते हैं, आलसी बोलते हैं। तो देखिए हम आइडियल का क्या क्या होता है हमारा, मॉडल, दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा ना कि वो हमारे रोल मॉडल है, ठीक है दोस्तों, तो रोल मॉडल से हमारा क्या होता है, मॉडल हो जाएगा। फिर दोस्तों हमारा क्या होता है, परफेक्ट, कोई किसी काम में परफेक्ट हो जाता है, इसका मतलब क्या, वो हमारा आदर्श। एंड थर्ड वन इज वेरी कॉमन है दोस्तों, एग्जाम्पल, ठीक, क्योंकि लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं कि देखिए भैया वो हमारे आइडियल हैं, तो फिर आपके भी लाइफ में कोई ना कोई आइडियल जरूर होगा, अगर नहीं है तो बना लीजिए आप लोग। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं एटींथ क्वेश्चन हमारा क्या है।
अब देखिए फ्रेंड, जैसा कि मैंने आइडल के लिए बात कर ही दिया है, तो आइए हम लेजी की भी बात कर लेते हैं। लेजी मीन्स हमारा क्या होता है दोस्तों? सबको पता है कि लेजी मीन्स हमारा क्या होता है, सुस्त या फिर आलसी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मैं पहला ही आपको लिखवा देता हूँ क्या, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आइडल, IDLE, आइडल। आइडल मीन्स हमारा क्या होता है दोस्तों? लेजी होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये ऊपर वाला बताते टाइम। तो ठीक है दोस्तों, हमारा और क्या हो जाएगा, स्लो बोल सकते हैं, यानी किसी काम में स्लो रहना, किसी काम को स्लोली करना। और हमारा दोस्तों स्लगिस, ये आप लोगों के लिए नया होगा वर्ड, तो इसको आप लिख लीजिएगा, पॉइंट आउट कर लीजिएगा, जो हमारा स्लगिस है। ठीक है दोस्तों, आइए हम बात करते हैं 19th का। तो 19th दोस्तों मैं आपके लेके आया हूँ, वो है हमारा क्या, तो वो है प्रे, यानी कि दोस्तों क्या करना, प्रार्थना करना। बोलते हैं ना भगवान के सामने प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो ये हो गया हमारा दोस्तों प्रार्थना करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं जितना भी लिखवा रहा हूँ आप इसको जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इसका क्या हो जाएगा। तो ये हमारा होता है दोस्तों बेग, वेरी बेग टू से दैट, ये होता है ना दोस्तों, हम लोग लिखते हैं तो एक तरीके से क्या करते हैं, प्रार्थना ही तो करते हैं ना एप्लीकेशन लिखते टाइम, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बेग हो जाएगा। फिर सबसे बड़ा है क्या दोस्तों, रिक्वेस्ट। सिंपल सिंपल मैं वर्ड से आप लोग को लिखवाना, जो कि आप डेली लाइफ में यूज करते हो, आप बड़े इजिली आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और थर्ड वन है दोस्तों इम्प्लोर। इम्प्लोर करना मीन्स भी क्या होता है, प्रार्थना करना होता है, नोट कर लीजिएगा। आइए अब हम 20 और आज के वीडियो का लास्ट आपको बताऊंगा कि क्या है। तो दोस्तों आज हम लास्ट बता रहे हैं आपको प्रोटेक्ट, और प्रोटेक्ट मीन्स हमारा क्या होता है दोस्तों, रक्षा करना। फ्रेंड्स मैं आपके लिए सिनोनिम्स का, ऐसा नहीं कि यही वीडियो मैं सिर्फ बना रहा हूँ, मैं इसके बाद कल ही आपके लिए इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें कि मैं आपको 30 और बताऊंगा एग्जांपल्स। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो हमारी मिल सके। तो फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो को अगर पसंद है तो लाइक कर लीजिएगा, और इन क्वेश्चंस को जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा प्रोटेक्ट मीन्स क्या हो जाएगा, तो प्रोटेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, डिफेंड, डिफेंड बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, गार्ड बोल सकते हैं। मोबाइल में सब लोग लगाते हो ना भैया गार्ड, गार्ड लगवा के आऊँ मैं, यानी क्या कर, अपने को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ ना आप। फिर थर्ड वन है दोस्तों हमारा सेव। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप एक बार हमारे पूरे एग्जाम्पल्स को फिर से देख लीजिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सिनोनिम का डेफिनेशन भी पूछ देता है, अगर नहीं भी पूछता है तो आप अपनी जानकारी के लिए इसको याद कर लीजिए, ताकि अगर आप किसी को बताएं तो वो बंदा भी आपसे क्या हो, उसका इम्प्रेस हो सके। तो ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल के साथ आप इसी तरह बने रहिए, हमारे वीडियोज को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।